कैसे बात दोस्तों, आज की इस वीडियो आप सभी कोइथिर आदिवासी सगा समाज को बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मोनिका भट्टी जी ने अपनी पार्टी से भाजपा पार्टी को सहारा जताया और भाजपा पार्टी में हुए शामिल। पूरा जानकारी पाने के लिए अपने गोंडवाना की बात को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, इससे नए वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मोनिका भट्टी जी अपनी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। इसी को लेकर सोशल मीडिया में काफी तेजी से हो रहा है चर्चा। अर्थात उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी दूसरी पार्टी में चले जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से दूसरी पार्टी ज्वाइन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह पार्टी उनके पिताजी का देन है। पेनवासी पूर्व MLA श्री मनमोहन साह भट्टी जी की देन है। अर्थात अब अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री झमकलाल सरयाम जी को चुना गया है। सुश्री मोनिका भट्टी जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन हम उनके पिताजी के सपनों को साकार करके ही रहेंगे और आदिवासी भाई बहनों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और आदिवासियों के हक अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अतः पेनवासी मनमोहन साह भट्टी जी की अधूरा सपने को पूरा करके ही रहेंगे। देखिए वीडियो। मैं चले गए, उसमें चले गए, ये सारी वाइब्रेशन जो चल रही है, जो लोग आपसे डर रहे थे, गोंडवाना से डर रहे थे, आज गोंडवाना के लोगों को उनको डराने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये मैसेज को घर घर तक पहुंचा रहा है, जबरन पहुंचा रहा है कि फलाने उसमें BJP में चला गया, फलाने उसमें चला गया, ये उसमें नहीं गया। इतना भी गोंडवाना आपको दिख रहा है, ये रात में इतने बजे, रात को मैं बताऊं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में युवा साथी, सच्चे ईमानदार, जो गोंडवाना को लेके काम करते हैं, जो गोंडवाना को लेके अपनी बात रखते हैं, जो ST SC OBC की बात करता है, जो परिवार की परवाह न करते हुए इस गोंडवाना के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार रहता है, ऐसा गोंडवाना तो इधर ही है, उधर नहीं है गोंडवाना। क्यों साथियों, सभी को पता है गोंडवाना कौन चला रहा है, गोंडवाना में कौन काम कर रहा है, गोंडवाना का असली शेर कौन है, गोंडवाना का नकली गद्दार कौन है, वो आप सभी ने देखा है, नकारा है, आज देख लिया आपने सभी लोग ने। ये सारी चीजों को भूलना है आपको। गोंडवाना उनसे नहीं, गोंडवाना आप सभी से है, हम सभी से है और आप देखने वाले से है गोंडवाना। एक दो के बोलने से गोंडवाना नहीं चलता कि गोंडवाना में एक दो लोग BJP और कांग्रेस में जाके घुस जाएंगे और इनको लगता है कि गोंडवाना टूट चुका है, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। इनको लग रहा है कि गोंडवाना टूट चुकी है, भारतीय गोंडवाना पार्टी कमजोर हो चुकी है, तो मैं बता दूं अभी शेर जिंदा है, शेर जिंदा है। झमकलाल सरयाम जी के नेतृत्व में पूरा भारतीय गोंडवाना पार्टी और छिंदवाड़ा जिले के 8.5 लाख आदिवासी काम करने के लिए तैयार है, 3 गुनी रफ्तार के साथ में। क्यों साथियों, आज मैं बता दूं आपको, आप सभी को पता है कि छिंदवाड़ा जिले में यदि कोई गोंडवाना का नेतृत्व कर रहा है तो वो हमारे युवा साथी जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, गोंडवाना को लेके बात रख रहा है, गोंडवाना को लेके काम कर रहा है, दूसरे लोग नहीं कर रहे, जो लोग कभी आते फोटो निकाल के फिर चले जाते हैं, दिखावे की गोंडवाना में काम करते। सच्चे ईमानदार नेता को आपको चुनना है इस बार। आप लोगों ने देखा है जिनने ये गोंडवाना से गद्दारी किया, वो घर का रहा ना घाट का रहा है, वो नदी पे बहा है। हमने उस दिन भी कहा था 17 तारीख को, जो हमने कहा था खासी खोखला के साथ साथ नारवत जो गोंडवाना से गद्दारी करेगा उसी को बोधरी नदी में डुबाना, आज वो बोधरी नदी में भी डूब गए हैं। आज सभी युवा साथी का दिल, उनके दिल में थोड़ा सा झटका सा लगा कि एक होने के बाद कैसे टूट गया, पर उनको अब उन लोगों को समझ आया कि वाकई में आज भट्टी जी के साथ में कैसे लोगों ने गद्दारी किए थे, ऐसे ही लोगों ने गद्दारी करे जो आज गए हैं, ऐसे ही लोगों के कारण। तो आज मैं बता दूं आपको कि एक लोग के भारतीय गोंडवाना पार्टी छोड़ने से भारतीय गोंडवाना पार्टी कमजोर नहीं हुई है। आज यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, ये कार्यकर्ता पूरे छिंदवाड़ा जिले के कोने कोने में जाके भारतीय गोंडवाना पार्टी और माननीय हमारे जिनके मूवमेंट को लेकर हम बात करते हैं, हमारे लिंगोवासी तिरुमाल मनमोहन साह भट्टी जी का जो मिशन अधूरा था
उसको पूरा करने के लिए हम सब ने कसम खाई है और तब तक हम घर में चुपचाप नहीं बैठेंगे जब तक बट्टी जी का मिशन को हम पूरा नहीं कर देंगे। साथियों हमारे साथ में हमारे बीच में आपने देखा और सुना, ये हमारे युवा साथी, इनसे जानना चाहेंगे, ललित भलाबी जी है, इनसे कहेंगे कि वो अपनी बात रखे इस संबंध में कि इसमें कोई पापरेशन तो पैदा तो नहीं होगा कि जो बात अभी हमारे जो सोशल मीडिया में चल रही, जो गांव क्षेत्र में चल रहा है और लोग बीजेपी वाले कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाई भारतीय गोंडवाना पार्टी टूट चुकी है, क्या ये सही है गलत है, ऐसा हो सकता है कि आप बताएं, जवाब दें उन लोगों को। साथियों मैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि गोंडवाना पार्टी ना ही टूटी है ना ही टूटेगी। हम युवाओं को मिलकर, हम सभी युवा मिलकर संघर्ष करेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे बस। साथियों इसी साथ में हमारे बीच में है भाई दिनेश सरयाम जी, जो गोंडवाना युद्ध का काम करते हैं, जो गोंडवाना में काम करते हैं, इनसे भी जानेंगे इनके इनकी राय क्या है युवाओं को लेके जो गोंडवाना में काम कर रहे हैं। साथियों मैं बताना चाहूंगा कि बट्टी दीदी तक पहुंचे आवाज की, दीदी आपने ऐसी क्या गद्दारी कर दी हमारे समाज से कि आपको समाज से, समाज के युवाओं पर भरोसा नहीं था या समाज के लोगों पर भरोसा नहीं था। आपसे पूछना चाहेंगे, ये समाज आपसे पूछती है कि दीदी आपने क्यों ये गद्दारी करी। आज आप बहुत दुख की बात है हमारे समाज में जो आपने समाज पर भरोसा नहीं किया कि आज आपको विधायक बनाने के लिए वहां से पूरे गोंडवाना के युवा आपके साथ थे, समाज साथ थी, लेकिन आपने आज जो वहां पे हमारे समाज के साथ जो गद्दारी की है उसका आपको सामना करना पड़ेगा। साथियों आपको बता दूं कि हमारे लोगों में ये कोई दुख नहीं है कि चले गए, एक जाएंगे हजार लड़के हम गोंडवाना के लिए तैयार कर लेंगे, करने के लिए तैयार हो आप लोग। बीच हमारे भाई धर्मेंद्र विके जी है, इनसे भी बात जानना चाहेंगे कि गोंडवाना के लोगों में, जो गोंडवाना भारतीय गोंडवाना पार्टी में काम करते, उनके लिए संदेश दो आप कि लोग टूटे नहीं, उठ के काम करें। जिस तरह आज सोशल मीडिया में मैं सुबह से देख रहा था कि भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज संदेश दे रहे हैं, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं कि इससे ये संदेश जाए कि लोग बिक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो अब आप मतलब उनकी एक शाखा टूट गई है, तो आप किस चीज के बने हो जो आप बने रहोगे, या फिर गोंडवाना भी नहीं बच पाएगा। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह लोगों की मानसिकता बनी है, वो जो आज बिके हैं गए हैं या फिर उनके जो सब सदस्य ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके साथ में वही लोग गए होंगे जो अंधभक्त है या फिर जो अभी भी समाज के लिए नहीं जागे हैं। पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि छिंदवाड़ा जिला के अंदर में अभी भी जो शिक्षित युवा वर्ग है, जो जोश जुनून के लेके काम कर रहे हैं, समाज के लिए शोषण अत्याचार अन्याय हमेशा निरंतर काम कर रहे हैं, जिनके लिए धूप बारिश तूफान में भी खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं, ऐसे युवा आज भी हमारे बीच में हैं और इतनी रात में भी हम यहाँ पे, नदी उफान पे चल रही है, इसके बाद भी हम इधर से घूम के आकर यहाँ पे युवाओं के बीच में मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। और भी मेरे साथ में कम से कम गाड़ी में 20 से 25 युवा साथ में हैं, तो हम ये पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हमेशा हम समाज के लिए खड़े थे, सामाजिक काम के लिए खड़े थे, और हम हमेशा गोंडवाना मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, बट्टी जी के मूवमेंट को, उसके मिशन को पूरा करने के लिए काम करेंगे, और हम हमेशा शोषण अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और इससे एक शेरनी के जाने से कुछ नहीं होगा, अभी हमारा टाइगर अभी जिंदा है, पिक्चर अभी बाकी है, और हम आने वाले समय में इन्हें कोई तगड़ा प्लान करके दिखाएंगे। अभी इनको दहशत बैठ चुकी थी, जिस तरह अभी पिछले कुछ दो तीन महीनों से इनके अंदर जो दहशत बैठ चुकी थी कि छिंदवाड़ा के अंदर आदिवासी युवाओं का जो काफिला और दहशत जो बन गई थी, इसलिए युवाओं को ये कुछ लीडरों को तोड़ के और जो गोंडवाना के जो कार्यकर्ता है उन लोगों के बीच में ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज फैला के लोगों को तोड़ने का, भड़काने का, और एक ये षड्यंत्र है। बाकी वो तो जो हुआ है वो सही है, पर अभी भी मैं बता रहा हूँ कि अभी 3 गुना से ज्यादा युवा हम लोगों के साथ में है, हमारे विचारधारा में है, और आज भी युवा निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए तैयार हैं।
मैं इसी बात के साथ में अपनी बाड़ी विराम देता हूँ। जय शिवा जय जवाहर। भवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों आप लोगों को बता दूं एक बात, और आपको पता होगा कि हमारे माचागोरा बांध के ऑटो गेट खुल चुके हैं, जिसमें पैच नदी जो है उफान पे चल रही है। पैच नदी को कूद के हमारे युवा साथी हमसे मिलने के लिए आए हैं। उनको दुख था, दर्द था इस गोंडवाना को लेके, तब आप लोगों के बीच में हम लाइव आके बोल रहे हैं सारी चीज। ये गोंडवाना टूटा नहीं, गोंडवाना और जुड़ा है। उन लोगों उन गद्दारों तक ये वीडियो पहुंचाओ, गोंडवाना उनसे नहीं, गोंडवाना ये यहाँ के छिंदवाड़ा जिले के 8.5 लाख आदिवासियों का गोंडवाना है। उनका गोंडवाना नहीं है, गोंडवाना हमारा है, इनका है, इनका है, इनका है, उनका नहीं है गोंडवाना। और जो गोंडवाना से बगावत करेगा ये समाज कभी उसको भक्चेगा नहीं, उसको बर्बाद कर देगा। ये समाज की लड़ाई है मान सम्मान और स्वाभिमान और इज्जत और आबरू, जल जंगल जमीन बहन बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई थी वो गोंडवाना जो आज लीलाम करी उसने। ये सारी चीज उनको समझा रहा है वो। तो हम मनमोहन साहब भट्टी जी का सम्मान करते हैं, इसलिए सारी चीज कदम नहीं उठा रहा। दूसरा यदि कोई होता तो उसको औकात और बखत दिखाने के लिए हमने कभी अपनी कसर नहीं छोड़ी है। मैं आगे चलता हूँ, हमारे भाई निखिल उइके जी है, इनसे जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए संदेश दो कम से कम। साथियों जोहार जिंदाबाद। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो घर का कचरा कूड़ा था वो बहुत जल्दी साफ हो गया है, और मैं बता दूं कि इसे एक व्यक्ति के जाने से गोंडवाना कमजोर नहीं होगा, अब दुगनी और तिगनी रफ्तार से पूरे छिंदवाड़ा जिले में पवन भैया के नेतृत्व में और धनकलाल कल्याण जी के नेतृत्व में वाला और पूरे युवा साथी अलवार पूरे। साथियों आज मैं लाइव वीडियो के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि गोंडवाना अभी टूटी नहीं है। गोंडवाना एक लोगों से जाने से गोंडवाना कभी टूटेगी नहीं। और साथियों परिवार, एक परिवार में एक भैया ने बताया ना कि अपन देख रहे हैं कि फेसबुक में लाइक चल रहा है अपनी मोनिका का, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस चीज को लेके अपन को भयभीत नहीं होना। ये तो अभी शुरुआत है, ऐसी बहुत सारी परेशानी आएगी और अपन डट के सामना करना है ना। इसी के साथ साथियों हमारे बीच में मंगल सौ वीके जी भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि गोंडवाना को ताकत दे दो। मैंने पहले एक पुल बना करके तैयार कर लिए थे, जिसमें हमारे पार्टी के लोगों ने हमारे गोंडवाना की आवाज को जो बुलंद कर रहे हैं छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा जिले में ही नहीं देश में भी तिरुमाल धमकलाल सरयाम जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों आप सभी को बता दूं ये हमारा संदेश इसलिए था, लोग टूटे ना बिखरे ना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ये सारी चीज हमने पहले कल्पना कर लिए थे कि हो सकता है, इसलिए ये सारी चीज हमने पहले भी कर दी, संभल के छत डाल लिए थे। आज जरूरत थी, लोग बोल रहे थे उस छत के नीचे सारे लोगों को लेके आओ, लेके भी आए थे, पर एक निठलना निकला भाग गया उस घर से, तो हम क्या करें। ये हुई तो अब ये परिवार है हमारा, इस परिवार को और गोंडवाना में आके काम करना चालू कर दो। आने वाला वक्त गोंडवाना का है, वरना जगह भी नहीं मिलेगी कि आपको छुपने के लिए, जो बीजेपी वाले